हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम हिंदी आकृति कक्षा 7 पाठ 7, पाठ का नाम है पिता का पत्र, इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम पाठ की शुरुआत करने से पहले पाठ में कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, उस शब्दार्थ के बारे में समझ लेते हैं। तो आइए बच्चों, हम शब्दार्थ की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे शब्दार्थ में शब्द दिया हुआ है घोषणा करने वाला। घोषणा करने वाला का अर्थ होता है उद्घोषक। ला इलाज का अर्थ होता है अचिकित्सक। खोज शब्द का अर्थ होता है जांच करना। खलबल शब्द का अर्थ होता है हलचल से पूर्ण। विजय शब्द का अर्थ होता है प्राप्त की गई सफलता। आत्मग्लानी का अर्थ होता है गलती का एहसास। सामर्थ्य का शब्द का अर्थ होता है योग्यता है। निसंदेह का शब्द का अर्थ होता है साफ साफ। तो यह हम अभी किसके बारे में पढ़ाई की है बच्चों? शब्दार्थ के बारे में पढ़ाई की है। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 7, पाठ का नाम है पिता का पत्र। इस पाठ के लेखक है सपना चमड़िया। H3/286 ललितपुर, 20 मार्च 20XX। प्यारी बेटी कविता स्नेह और प्यार। इस पाठ में एक पिता अपने बेटी को पत्र लिखता है। बेटी कहाँ पे रहती है? बेटी ऑस्ट्रेलिया में रहती है। और उनके पिता कहाँ पे रहते हैं? उनके पिता भारत में रहते हैं। और तो उनके पिता भारत से अपने बेटी को ऑस्ट्रेलिया पत्र लिखता है। प्यारी बेटी स्नेह और प्यार, अभी यहाँ भारत में सुबह के कितने बजे हैं? 9:30 बजे हैं। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में दिन के 2 बजे होंगे। अपनी आराम कुर्सी पर बैठा साफ साफ देख रहा हूँ कि तुम एक बड़े समारोह में अपने दोस्तों के साथ बैठी है। पत्र के द्वारा पिता अपने बेटी को क्या कहता है कि मैं यहाँ पे आराम से आपको देख रहा हूँ और कि तुम अपने एक बड़े समारोह में अपने दोस्तों के साथ बैठी हो। कुछ ही देर में वहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अभी वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वो बेटी है, तो वह उनके पिता पत्र के द्वारा कहता है कि आप वहाँ पे अभी आपका कुछ देर बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, तुम्हारी बारी आएगी, तुम्हारा नाम बुलाया जाएगा। अभी यहाँ पे जैसे जो घोषणा करने वाले रहते हैं वो वहाँ पे तुम्हारा नाम लेंगे और तुम्हें वहाँ पे आगे बुलाएंगे। सारा हॉल तालियों से गूंज उठेगा। उद्घोषक बताएगा कि कैसे और कितनी मेहनत से कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से लड़ने के लिए तुमने क्या क्या शोध किए। अभी जैसे जो घोषणा करने वाले रहता है व्यक्ति, वह उन लड़की को बोलेगा कि आपने कितनी मेहनत की है जो कैंसर बीमारी है, उस कैंसर बीमारी से लड़ने वाले लोगों को उपचार करने के लिए और उनके ऊपर क्या क्या शोध किए हैं। तो इसके बाद तुम्हें गोल्ड मेडल पहनाया जाएगा। इसके बाद तुम्हें क्या पहनाया जाएगा? गोल्ड मेडल पहनाया जाएगा। और एक बार फिर इसके बाद तुम्हें गोल्ड मेडल पहनाया जाएगा। और एक बार फिर से हॉल में तालियां की गड़गड़ाहट से आंदोलित हो उठेगा। इस पूरी प्रक्रिया में किसी के भी मन में संभवतः यह सवाल नहीं उठेगा कि एक लड़की होकर तुमने यह उपलब्धि हासिल की है। लेकिन
बेटी, मेरे मन में यह सवाल शुरू से था कि एक लड़की होकर ही तुम्हें आगे बढ़ना है, बहुत लंबा रास्ता तय करना है। आज मेरे लिए दोहरी खुशी का दिन है, एक तो यह कि तुमने और मैंने जो लक्ष्य मिलकर तय किया था पूरा हुआ, और दूसरा मेरे मन में बरसों से जो एक अपराध बोध पल रहा था, आज उससे मेरी मुक्ति का भी दिन है। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में लेखक क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो पिता है, वह पिता अपने बेटी को पत्र के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि बेटी, आज आपने जो मेरा सपना था वह मेरा सपना पूरा कर दिया, मेरे सिर पे जो बोझ था वह बोझ भी आज मेरा हल्का सा हो गया, और उस बोझ से मैं आज कैसे मुक्त हो गया हूँ ऐसा मुझे लग रहा है। बेटियाँ, आज मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसमें अनंत संभावनाएं थी, जो तुम्हारी तरह ही गुणी, बुद्धिमती और हौसले वाली लड़की थी। पिता अपने पत्र द्वारा अपने बेटी को समझाना चाहता है, एक कहानी सुनाना चाहता है कि तुम्हारी तरह एक गुणी, बुद्धिमती और हौसले वाले एक लड़की रहती है। उस लड़की का नाम क्या रहता है? निरुपमा। उस लड़की का नाम रहता है निरुपमा। घर में प्यार से सब उसे चुटकी पुकारते थे। घर में प्यार से उसे क्या, कौन से नाम से पुकारते थे? चुटकी पुकारते थे। तुम चौंक गई ना? हाँ बेटी, यह तुम्हारी चुटकी बुआ की कहानी है। यह तुम्हारी जो चुटकी, किसकी कहानी है? चुटकी बुआ की कहानी है, जिनका निरुपमा नाम कोई जानता ही नहीं। बहुत प्यारी थी मेरी बहन, हर काम बहुत जल्दी सीख लेती थी, पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। मैं और वह एक ही साथ गांव की पाठशाला और फिर माध्यमिक स्कूल में पढ़े थे। पढ़ाई के दौरान मैं सिर्फ पढ़ता था या फिर अपने दोस्तों के साथ खेलता, कूदता, घूमता फिरता रहता था, लेकिन चुटकी तो कभी खाली बैठती ही नहीं थी। माँ के काम में हाथ बांटती, पिताजी के नहाने के लिए गर्म पानी रखती, छत पर कपड़े सूखने डालती, यही नहीं मैं भी पतंग उड़ाते समय चरखी पकड़ने के लिए या पतंग का मांझा बनवाने के लिए चुटकी को ही आवाज़ लगाता था। तो यहाँ पे देखिए, इस पाठ में लेखक क्या कहना चाहते हैं कि वो जो पिता है, वो पत्र के द्वारा अपने बेटी को लिखता है कि एक लड़की रहती है, उस लड़की का नाम क्या है? निरुपमा रहते हैं वो। तो निरुपमा को प्यार से क्या बोलते हैं? चुटकी बोलते हैं। तो चुटकी वह कौन है? बल्कि चुटकी वह उसके पिता की बहन ही रहती है, मतलब बुआ, उस लड़की की बुआ रहती है। तो वह हर एक काम में उस पिता, वो लड़की के पिता को मदद करती है, जैसे कपड़े सुखाना, खाना बनाना, तो यह सब कुछ वह बुआ कर लेती थी। बेटी, उस समय को जब मैं याद करता हूँ तो पता हूँ कि मेरे सभी दोस्तों अभिषेक, अभय, राजेश के घरों में कमोबेश ऐसा ही माहौल था। सभी की बहनें चुटकी की तरह ही जीवन जी रही थी। वहाँ पे जितने भी दोस्त लोग थे, वह किसका जीवन, कैसे जीवन जी रहा था? चुटकी की तरह वह जीवन जी रहे थे। इसी दौरान 10वीं का रिजल्ट आया। बेटी, मुझे आज यह स्वीकारने में जरा भी हिचक नहीं है कि चुटकी मुझसे भी ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास हुई थी, लेकिन घर में इस बात पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। जैसे इस उपलब्धि के कोई मायने ही नहीं थे, तय किया गया कि मैं आगे पढ़ाई के लिए शहर जाऊंगा और चुटकी वहीं गांव में सिलाई स्कूल में दाखिल लेगी। चुटकी ने बड़े दबे स्वरों में माँ से कहा कि
वह भी आगे बढ़ना चाहती है। माँ ने और ज़्यादा स्वर दबाकर पिताजी के सामने उसकी यह इच्छा रखी, पर पिताजी का दो टूक फैसला था। नहीं, उसने मुझे से भी कहा था, भैया मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, पर मेरे पास वक्त कहाँ था कि दो मिनट रुककर उसकी बात पर ध्यान देता। बाद में अक्सर रात बिरात मेरे कानों में उसकी आवाज़ बजती थी, भैया मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो यह वह उनकी बहन उनके भाई को कहते हैं, भाई को मतलब वो जो लड़की ऑस्ट्रेलिया में लड़की पढ़ाई कर रही थी, उसके पिता की बहन वह अपने भाई को बोल रही थी कि मुझे भी आगे पढ़ाई करनी है, मुझे भी ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे भी डॉक्टर बनना है, ऐसी वह उनकी बहन बोल रही थी। लेकिन वह भाई उन बहन को मना कर रहे थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप सिलाई मशीन कर सकते हो, ऐसे वह भाई अपने बहन को बोलता है। तुम्हें याद है कविता, बचपन में अक्सर तुम मुझसे पूछती थी कि पापा दुनिया कैसे बनी। अभी कविता किसका नाम है, कविता उस पिता की बेटी है जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करती है, उनका नाम कविता है। तो और मैं कहता था, एक लड़का था और एक लड़की, दोनों ने मिलकर घर बनाया, बाग लगाया, फसल उगाए, पुल बनाया, स्कूल चलाया और दुनिया बन गई। तुम तो विज्ञान की विद्यार्थी हो और जानती हो कि लड़की और सिर्फ एक जैविक सच्चाई है। इस तथ्य को विज्ञान ने आज सिद्ध कर दिया है। अपनी बहन के संदर्भ में मैं यह तथ्य समझ नहीं पाया और मेरी योग्य बहन सिर्फ इसलिए कुछ बन नहीं पाई क्योंकि मैं उसे सिर्फ एक लड़की समझता रहा। लेकिन मैंने आगे चलकर भूल सुधार किया और तुम्हारे लिए एक सपना देखा जो आज पूरा हो रहा है। आज तुम्हारी उम्र 28 साल की हो गई है। आज उनकी उम्र कितनी हो गई है, 28 साल की हो गई है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी के सारे निर्णय तुम पर छोड़ता हूँ। अभी पिता कहते हैं कि अभी तुम्हारे आगे की ज़िंदगी के लिए मैं तुम्हारे पर पूरी ज़िंदगी छोड़ देता हूँ। आज बेटी, जब तुम मास्क लगाकर कैंसर से जानलेवा सेल्स इकट्ठे करने के लिए अस्पताल घूमती हो तो मुझे तुम पर गर्व होता है। अभी पिता क्या कहते हैं अपने बेटी को कि बेटी आप मुंह पे मास्क लगाकर कैंसर के जानलेवा सेल्स इकट्ठे करने के लिए आप कहाँ पे अस्पताल में, हर एक अस्पताल में घूमती हो तो मुझे तुम पर क्या प्राउड है, गर्व है कि मैं मानता हूँ कि स्त्रियों के लिए आज भी बहुत कुछ नहीं बदला है। सदियों से जिन्हें समाज में कोई सकारात्मक और निर्णयात्मक भूमिका नहीं दी गई, उनका समय बदलने में अभी सजावटी वस्तु की तरह प्रस्तुत करता है। हमें दो तरह से लड़ाई लड़नी है। हमें कितनी तरह से, दो तरह से लड़ाई लड़नी है। एक तो पुराने संस्कारों से और दूसरा इन नई उपभोक्ता संस्कृति से। इन दो से हमें लड़ाई लड़नी है जो स्त्री के सम्मान को बार बार चोट पहुंचाती है। इस पर बाकी बातें अगली चिट्ठी में, अभी इस पर बाकी बातें वह पिता अगली चिट्ठी में लिखते हैं। आज तुम्हें यह सब कुछ लिखकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। अभी पिता पत्र के द्वारा क्या लिखता है कि बेटी आज तुम्हें यह सब कुछ लिखकर मेरे दिल का जो बोझ था वो कैसे हल्का हो गया है। तुमने वर्जीनिया वुल्फ की जो किताब ए रूम ऑफ वन ऑन्स भेजी थी उसे मैं पढ़ रहा हूँ। अभी पिता बेटी को क्या कहते हैं पत्र के द्वारा कि तुमने जो मुझे एक किताब भेजी थी वह किताब में अभी क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे सुखी और सार्थक जीवन के लिए एक पिता की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार। अभी पिता क्या लिखते हैं कि तुम्हारे सुखी और सार्थक के लिए
एक पिता की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार भेजता हूँ। तुम्हारा पिता पुनः छ, मतलब फिर से अपनी एक फ़ोटो गोल्ड मेडल लेते हुए नीरू बुआ को ज़रूर भेजना। अभी पिता पत्र के द्वारा क्या लिखते हैं कि तुम्हें जो वहाँ पे गोल्ड मेडल मिलने वाला है उसकी फ़ोटो नीरू बुआ को भेजना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और यह फ़ोटो देखकर उन नीरू बुआ को क्या बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे कौन कहते हैं, इसे पिता अपने बेटी को पत्र के द्वारा कहते हैं। तो यह पाठ किसने लिखा है, यह पाठ सपना चमड़िया लेखक ने लिखा है। इस पाठ में सुंदर सा वर्णन किया गया है पिता के द्वारा बेटी को पत्र। तो इसी तरह यह पाठ यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, आप सभी को यह जो पिता का पत्र इस पाठ में आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप फिर से एक बार यह वीडियो देखकर समझने की कोशिश कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।